नमस्कार परिणाम पहला राजधानी कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, हमारे सारे घरों में 20 फीट की रोड होती है, तो यहाँ पे भी हमारी जो है पहले 20 फीट की हम आपको रोड दे रहे हैं। उसके बाद में अगर आपको बता दूँ तो इस साइड आपकी रोड एंड है, तो आपकी जो कार पार्किंग गाड़ी की पार्किंग करेगी वो आप इस साइड करेंगे, पूरा एरिया आपका है। लास्ट एंड में आपका ये घर बना है। अगर मैं आपको बता दूं, आप अगर विजिट करते हो तो आप गांधी चौक से कर सकते हो, आई ब्यूटी से कर सकते हो। आपको अगर बता दूं तो आपको यहाँ पे सब चीज़ पास मिल जाएगी। काफ़ी लोगों को होता है कि हमें ऐसी जगह पे चाहिए, मेन रोड की जगह पे, तो अच्छी कॉलोनी है, गढ़वाली लोग बस है, आपके यहाँ से हॉस्पिटल, दुकान है, स्कूल सब पास में है, आगे आपके मोहल्ले में भी बस हुई है। इस घर की वीडियो मैं आपके लिए इससे पहले भी लेके आई हूँ, लेकिन इस घर में हमने काफी चेंजेस कराए हैं और हमारे काफी नए घर बन रहे हैं जो सेम इस तरीके से बन रहे हैं, जिन पे भी काम चल रहा है। अगर आप हमारे यहाँ पे वो घर बुक कराते हो तो उसमें हम आपकी पसंद के अकॉर्डिंग कर देते हैं सारा कुछ, जैसे टाइल्स लगा देते हैं, पेंट करवा देते हैं, जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग करा देते हैं। तो इस घर की मैं दोबारा वीडियो इसीलिए आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि सेम इसी तरह हमारे पास नए घर बन रहे हैं, तो आप उनको बुक कर सकते हैं हमारे पास आके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस साइड हमारा वॉशरूम है, इंडियन वॉशरूम यहाँ पे इसलिए लगाया हुआ है। और आपका जो पॉर्च एरिया है इसमें भी आपकी काफी जगह है। इस साइड हमने एक नल लगाया है, आप इसमें टू व्हीलर की गाड़ी अपनी दो खड़ी कर सकते हो, उसके बाद इसमें काफी जगह है। बाहर हमारे स्विच बोर्ड है, ये एमसी बोर्ड है, और ये जो स्विच बोर्ड की हमारी होती है पूरे लाइफ टाइम की गारंटी होती है। बाकी नल की, पर्दों की, रॉड की, इसकी जो होती है 7 साल की गारंटी होती है। उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाती हूँ क्योंकि हमने इस घर में काफी चेंजेस कराए हैं। अगर आप हमसे भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं तो सेम आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा जैसा बनाना चाहेंगे। तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें हमने दो दरवाजों का यूज करा है, बाहर जाली वाले दरवाजे, फिर हमने दो दरवाजों का अलग से यूज करा है। सब चीज की क्वालिटी अच्छी यूज हुई है। जो हमारा पेंट होता है उसमें हम पहले से जो आप लोग कहते हैं दीमक लग जाता है, तो उसमें हम दवाई डाल देते हैं, तो पेंट मतलब उसमें आपका ऐसा हो जाता है कि कीड़ी वगैरह या दीमक लगने का कोई डर नहीं होता। बाकी अगर आप रहना शुरू करते हो तो उसके बाद तो अपने घर पर खुद से भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने जो है सोफा लगाया हुआ है 7 सीटर का। सोफे की क्वालिटी, गद्दे बहुत अच्छे यूज करें कि जो हमारे सोफे, टेबल, ये जो हमारे लकड़ी का काम है ये हमारा खुद का है। ये हमारा गांधी चौक पे एक ऑफिस है, वहाँ पे भी हमारा जिसमें ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हमारे घर की सारे घरों की जितने भी घर होते हैं उनकी सबकी एक एक दीवारें हाईलाइट होती है। जैसे हमने इसमें करा है, इसमें हमने टाइल्स लगाई हुई है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेते हैं, बुक करवाते हैं, उसमें आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप टाइल्स लगवाना चाहते हो तो टाइल्स लगवा देते हैं, और अगर आप टेक्सचर कराना चाहते हैं तो उसमें हम टेक्सचर करा देते हैं। उसके बाद हम इस साइड हमने वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़की दी, और इसमें हमने ये पर्दा लगाया। पर्दा बहुत अच्छा है, थोड़ा भारी सा, इसका जो कपड़ा अच्छा यूज किया गया है। इस साइड हम मतलब आपको पूरा घर तैयार करके दे रहे हैं, आपने आना है और सिर्फ रहना है। पर्दे लगाए हुए, बल्कि हमने इस साइड हमने स्विच बोर्ड दिया है। स्विच बोर्ड के बारे में आपको बता चुकी हूँ, लाइफ टाइम की गारंटी है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो इस साइड में हमने पर्दे लगाए हैं। हम ये घर आपको पूरा रेडी करके दे रहे हैं। पर्दे आप देख रहे होंगे, हम मतलब ऐसा करते हैं, हम जो सोफा लेते हैं, पर्दे लेते हैं, वो आपके मैचिंग का करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को शौक होता है तो हम मैचिंग का करते हैं। ऊपर हमने इसमें झूमर लगवाया, लाइट लगवाई है। आपको बता दूं तो इस साइड हमने आपको वॉश बेसिन रखा हुआ है, जिसमें हमने शीशा और ये आपको वॉश बेसिन रखा है। इसमें आपको काफी स्पेस मिला हुआ है, यहाँ पे हमने पूरा सब कुछ सेट करा हुआ है, आपका साबुन रखने के लिए, आप जो यूज करोगे उसके। और नीचे इसमें हमने छोटे छोटे बॉक्स बनाए हुए जो लुक वाइज तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके सामान के लिए पूरे हैं। यहाँ पे इसमें जो यूज हुआ है सारा अच्छा यूज हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको साल भर, 6 महीने बाद सामान चेंज करना है, काफी लाइफ टाइम तक भी चल सकता है अगर आप अच्छे से यूज करते हो। उसके बाद इस साइड हमने यहाँ पे आपको डाइनिंग टेबल दिया गया है 4 सीटर का। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो लकड़ी का काम होता है वो हमारा खुद से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको शिकायत का मौका दे। बहुत अच्छी लकड़ी यूज हुई है और बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें यूज की गई है। उसके इस साइड पे आपको किचन है, इस साइड भी हमने पर्दे लगाए हुए हैं, और अगर आप देखोगे तो ये लुक बहुत अच्छा दे रहा है। पर्दे की क्वालिटी हमने अच्छी यूज करी है, और हमारे सारे घरों में जो किचन होती है मॉड्यूलर किचन होती है, तो आरओ, चिमनी, गीजर हम सब अच्छा लगा के देते हैं। इस साइड हमने वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी है, और इस साइड हमने चिमनी लगाई है, इसलिए अगर आपके किचन में धुआं होता है तेल वगैरह से, तो हमने जस्ट इसके बगल में दी है। इस साइड हमने फिर चिमनी दी है, अगर आपके किचन में कुछ गैस वगैरह होती है तो वेंटिलेशन भी साइड और चिमनी भी साइड है आपका, जो कि आराम से आपके धुएं को बाहर पास कर देगी। बाकी हमने इसमें बॉक्सेस बनाए हुए, पूरी मॉड्यूलर किचन है, बॉक्सेस में काफी जगह है, इसमें आप अपना काफी सामान इसमें रख सकते हैं। एटलीस्ट काफी लोग हमें ऐसे बोलते हैं ना
दीमक लगना, तो उसके लिए हमने पहले से ही अपने सारे घरों में पेंट करते हुए दवाई डाली हुई है कि आपके घरों में कुछ भी दीमक वगैरह ना लगे। बाकी हमारी पूरी किचन मॉड्यूलर है, बहुत अच्छी बनी हुई है। फ्रिज के लिए आपको इस साइड पे हमने जगह दी है। हमारे पास काफी लोग ऐसे आते हैं जो हमें कहते हैं कि आपने ये यहाँ पे ये होना चाहिए तो वो वहाँ पे होना चाहिए था, हमें वेस्टर्न सीट नहीं चाहिए, हमें इंडियन सीट चाहिए, तो वो हम बने घर में भी सब कुछ आपको करके देते हैं। हम तो ऐसे, हमारा ऐसा काम है कि अगर पूरा घर बना हुआ है तो उसमें भी हम आपके अकॉर्डिंग सब कुछ करा देते हैं, जो कुछ होने लायक है वो हम सब करा देते हैं। उसके बाद हम इसमें रूम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा बेडरूम हुआ, यहाँ पे भी हमने पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है। पर्दों की रॉड इसमें, कॉफ लाइट इसमें, और इस साइड हमने इसमें अलमारी दी है। अलमारी में काफी स्पेस है और ये अलमारी ऐसी है कि आप इसको एक ही जगह पे नहीं, अगर आप चाहते हो कि आप इस अलमारी को दूसरी जगह शिफ्ट करो तो आप इसको उठा के दूसरी जगह रख सकते हो। तो यहाँ पे आपकी लाइट है, इसमें ऊपर भी स्टोरेज दिया गया है, काफी जगह इसमें ऊपर भी, और इसमें जगह दी गई है। इसके बाद इस साइड आपकी एक खिड़की दी गई है जिसमें हमने पर्दे वगैरह सब लगाए हुए हैं, और यहाँ से ऊपर आपका वेंटिलेशन के लिए जो डक्ट बना है। बाकी हमने यहाँ पे आपका एक बेड डाला हुआ है। बाकी इसमें भी हमने पर्दे लगाए। बाकी जो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा जो लकड़ी का काम हुआ है वो हमारा खुद का होता है, तो ऑफकोर्स हम आपको बेहतर ही देंगे। इस साइड में हमने आपको एक अलमारी लगाई हुई है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आपने उस रूम में भी देखा होगा एक एक दीवार हाईलाइट होती है, तो इसकी भी एक दीवार हाईलाइट है। इसमें हमने जो टाइल्स लगाई है, और ये हरी घास का यूज है, ये लुक भी अच्छा देगी। और टाइल्स से क्या होता है ना, काफी लोगों का इशू होता है सीलन वगैरह, पहला तो उसमें जो है आपको सीलन की दिक्कत नहीं होती, टाइल्स लगी तो सीलन नहीं आती, और दूसरा ये लुक भी अच्छा देती है। और अगर आपके जो पेंट का है इस साइड, आपको पेंट कराने का भी कोई झंझट नहीं होता। बाकी इसमें ऊपर कॉफ लाइट लगी हुई है, आपकी लाइट, पंखे, पर्दों की रॉड, और ऊपर से जिसमें पर्दे, सारा मतलब इसमें पूरा है। साथ में आपको इसमें लाइटिंग का भी दे रहे हैं, आप इसको डेकोरेट के तरीके से समझो, या फिर काफी लोग ऐसे जिनको लाइट बंद करके सोना होता है, तो आप इसको जगा लो, लुक भी अच्छा दे रहा है, आपके काम में भी है। और फिर हमने इसमें भी बेड, गद्दे, सब कुछ डबल बेड इसमें पूरा सेट करके दिया। इस साइड जो हमारा है एक अटैच वॉशरूम है जिसमें कि आपकी वेस्टर्न सीट लगी हुई है, नल इसमें हमने सब अच्छे दिए हुए हैं, और इसमें हमने ऊपर गीजर लगाया हुआ है कि जो आपको वॉशरूम है, वॉशरूम आपका काफी बड़ा है, काफी स्पेस है इसमें, और इस साइड इसमें वेंटिलेशन के लिए दिया है जो मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि डक बना हुआ है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये इसमें डक बना हुआ है वेंटिलेशन के लिए, ये आपका गर्मी सर्दी दोनों सीजन के लिए बहुत अच्छा है। अभी इसमें काम चल रहा था, हमने इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, तो ये आपका दोनों सीजन के लिए अच्छा है। और बाकी अगर मैं आपको बता दूं तो इस साइड में हमने अलमारी दी है, अलमारी ऐसे आप कहीं भी जा सकते हो, एक स्विच बोर्ड इसका इस साइड है, एक स्विच बोर्ड उसका उस साइड है जिस साइड आपका बेड लगा हुआ है। और अगर आपको बता दूं, काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको सामान नहीं चाहिए होता है, तो उनको अगर आप चाहो सामान नहीं चाहते हो आप, तो ये सामान हम हटवा सकते हैं आप यहाँ से। तो फिर छत में चलते हैं, आपको सबको बताइए कि गर्मियों का टाइम है तो धूप बहुत ज्यादा हो रही है, तो मतलब आपको अगर बता दूं तो गर्मियों में अगर ऐसा है तो सर्दियों में भी ऐसा रहेगा, धूप के लिए आपका बहुत सही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको छत का व्यू दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, छत में हमारा ऐसा है, हमने टंकी अलग रखी हुई है, और जो आपका नीचे का एरिया, जैसे आप अगर आगे चल के घर बनाना चाहो, एक रूम या फिर एक रेंट के लिए बनाना चाहो, तो उसके लिए भी काफी जगह है इसमें, तो मैं आपको छत दिखा देती हूँ। अभी टाइम मैक्सिमम 12:30 हो रहे हैं, और धूप इतनी तेज हो रही, मतलब ये आपके लिए सर्दियों गर्मियों दोनों सीजन के लिए अच्छा है। यहाँ से आपका जो लुक दिख रहा है बहुत अच्छा और प्यारा दिख रहा है। ये जो मैंने आपको नीचे से बताया है ये आपका डक एरिया है, और ये जो आपकी टंकी ये छत में रखी हुई है, ये सारे घर जिस साइड बने वो हमने बनाए हैं। तो उम्मीद कर दूं आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद है वाली, तो आओ विजिट करो, अपने सपनों का हमसे लेके जाओ। मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, जल सेना थल सेना हमारे तरफ से अलग से डिस्काउंट सब्सिडी सुविधा मैं आपको देना चाहूँ। और एक बात और, अगर आप हम बटे अंडर कंस्ट्रक्शन घर लेंगे तो हम आपकी मर्जी सब कुछ हो जाए, मतलब टाइल्स पेंट आप अकॉर्डिंग हम सब बढ़ा देना, तो आओ अपने सपनों का घर लेके जाओ। लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। मिलता अगले वीडियो, आपको ध्यान रखें, धन्यवाद।